मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई मुंब्रा शहर में आप सभी लोगों ने देखी होगी, मगर अब इसी ट्रैफिक विभाग के एक हवलदार ने एक टेम्पो चालक से 10,000 रुपये की मांग की थी और रिश्वत मांगने के जुर्म में ढाईघर पुलिस ने हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवलदार का नाम अंगद मुरलीधर मुंडे है। कुछ दिन पहले जो मुंब्रा ट्रैफिक विभाग कार्यालय के सामने जो मारपीट हुई थी, ये वही तस्वीरें हैं जिसमें अंगद मुरलीधर मुंडे और युवक को आपस में मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। मगर अब मुंडे पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल कल्याण फाटा पर एक टेम्पो चालक से उसका टेम्पो और लाइसेंस जब्त कर लिया था और उसके बदले में 10,000 रुपये की मांग की थी, यानी 10,000 रुपया दे दो, बिना रसीद लिए टेम्पो और लाइसेंस लेकर जाओ। मगर टेम्पो चालक ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को 11/9/2019 को की थी, जिसकी जांच पड़ताल 19/9/2019 को पूरी हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी सुषमा पाटिल और उनकी टीम ने इस जांच में रिश्वत की मांग सही पाई और हवलदार मुंडे पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सन 1988 की कलम 7 के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।